नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लासी मीडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुशर्रफ राणा। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मऊ जिले मुख्यालय के कलेक्टर परिसर में नागरिकता संशोधन कानून में किए गए भेदभावपूर्ण संशोधन के खिलाफ जबरदस्त धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं आपको बता दें कि धरने में सपा बसपा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। कोहरे और ठंड के बावजूद भी बुजुर्गों और नौजवान जब हाथों में तख्तियां लिए सड़कों पर उतरने लगे तो जिला प्रशासन और पुलिस के पसीने छूट गए। धरने में आने वाले लोगों के हाथों में बड़ी संख्या में राष्ट्रीय ध्वज होने से एक अलग ही किस्म का उत्साह देखने को मिला है। ये कहना है कि जो भी नियम सरकार बनावे वो संविधान और मजहब के नाम पर किसी कानून बनाया जाना गलत है। अगर नागरिकता आपको देनी है तो सभी को दीजिए और हम स्वागत करते हैं उस कानून का। जो भी हमारे देश के रहने वाले लोग कहीं और परेशान हुए हैं उसे मजहब के नाम पर उसे नहीं बांटा जाना चाहिए। और इसमें सिर्फ आप इस तरह का गलत प्रोपेगेंडा जो कराते हैं गांधी जी के हवाले से या स्वामी विवेकानंद के हवाले से वो ठीक नहीं है। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि किसी के साथ कोई इम्तियाज नहीं, हम नागरिकता देने की बात करें लेने की बात नहीं करें। मैं पूछता हूँ जो 5 लाख लोग असम में है, जो 5 लाख लोग असम में मुसलमान है उनको कैसे नागरिकता मिलेगी? आपने सीए के तहत असम को उसमें डिस्ट्रिक्ट अलग कर दिया है तो उसमें जो 14 लाख हिंदू है उनको कैसे नागरिकता देंगे? यानी हमारे देश में जो रहने वाले लोग हैं उन्हीं को शरणार्थी कहना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि हम पाकिस्तान से आए हैं। मेरे कितनी शर्मनाक बात है कि जो लोग कागज नहीं दे पाएंगे, जो अपने नागरिक होने का सबूत नहीं दे पाएंगे वो शरणार्थी हो जाएंगे और उनको कहना पड़ेगा हम पाकिस्तान या बांग्लादेश से आए हुए तब उनको नागरिकता मिलेगी। यानी मेरे ही देश में जो मेरे पुरखे यही जन्मे और यही दफन हुए और यही उनकी अस्थियां यही नदियों में बहाई गई, अब उनके नस्लों से आप कह रहे हो अपने नागरिक होने का सबूत देंगे? हम किसी भी तरह का कोई सबूत नहीं देंगे और सरकार ये बात वापस लेना पड़ेगा।